ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूत स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछागलपतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदिगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल आदिखंड किशोर लीला प्रयास संख्या 102। हेनम अते महाप्रभु छोड़ा छोड़ लाते आछे वर उरत हिते ताहा तथा आओ आई ओगण खाचे। जब भगवान महाप्रभु चंदवा के नीचे खड़े थे तब विवाहित स्त्रियों ने वर का स्वागत करने के अनुष्ठान को संपन्न किया। करी अविचित्र वेश परि दिव्यवास हाते थे उज्ज्वल दीप अंतर उल्लास। उन स्त्रियों ने अद्भुत आभूषण तथा भव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके हाथों में चमकते जगमगाते दीप थे तथा उनके हृदयों में गौरवपूर्ण हर्ष था। तो भाड़े के लोग नहीं थे, लाइटें लेके, जैसे कि हम लोग शादी करते हैं तो वो कंधों पे लेके चल रहे होते हैं कुछ लाइट, उनके ऊपर जो कपड़े पहने होते हैं उनको बस उनके ऊपर से निकाल दिया जाए तो नीचे बहुत बुरी हाल होती है, फटे पुराने कपड़े। वो जो ड्रेस भी उन्होंने पहनी होती है वो सालों से नहीं धुली होती है, जो उसमें दाग पड़ जाए कहीं पर तो धोनी पड़ जाती है। तो किराए के जो लोग होते हैं उनके हृदयों में गौरवपूर्ण हर्ष नहीं होता है। वो ये देख रहे होते हैं जी तुम्हारा पहला बैंड है जी, दूसरे बैंड की देर हो रही है, तुम नाचते रहोगे जी, हम तो जा रहे हैं। आप लोगों को अगर शादी का एक्सपीरियंस हो तो लोग कहते हैं जी हम दूसरा बैंड करेंगे। पहला बैंड वाले को जल्दी होती है दूसरे बैंड में जाने की, यानी कि वो लगते हैं उसके पहला मतलब 7 से 9 पहला, 9 से 12 दूसरा। तो जब किराए के रौनक पैदा करने के लिए किराए के लोग लाएंगे तो बड़ी टेंशन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इनके हाथों में दीप थे और हृदय में गौरवपूर्ण हर्ष था। तो दिखावे की जिंदगी नहीं थी, दिखावे की चकाचौंध नहीं थी, वो चकाचौंध लोगों के हृदय से निकल रही थी। पीपल वॉन्टेड टू एनलाइटन, जगह को जगमगा देना चाहते थे क्योंकि उनके हृदय जगमगाए हुए थे। आई ओगण आछे पाछे कन्या र जननी वर उरत हिते धनी चलीला अपनी। विवाहित स्त्रियां आगे थी तथा वधु की माता उनके पीछे थी। इस प्रकार से तेजस्वी स्त्रियों ने वर का स्वागत करने का अनुष्ठान संपन्न किया। सात प्रदक्षिण कैल सात दीप हाते चरण ढलीला दधि हर्षित चित्ते। उन्होंने अपने हाथों में 7-7 दीप लेकर भगवान की 7 बार परिक्रमा करी। प्रसन्न चित होकर उन्होंने दही से उनका पाद प्रक्षालन किया। पैरों को किससे धोया? दही से धोया। वर उरथी या चली धनी चलीला आलया सुबह क्षण हैल से ही धो गोधूली समय। इस प्रकार से उन्होंने वर का संस्कार संपन्न किया। तत्पश्चात गौधूली की वेला की शुभ घड़ी आ गई, यानी कि संध्या आ गई, इवनिंग संध्या आ गई।
तबे सही वल्लभ आचार्य द्विजवर कन्या अनिबारे आज्ञा दिले न सत्वर। तब ओजस्वी ब्राह्मण वल्लभाचार्य जी ने आदेश दिया कि उनकी पुत्री को तुरंत लाया जाए। लेकिन पुत्री तो अभी ब्यूटी पार्लर में गई है जी, मुहूर्त का समय निकाल रहा है सर, क्या करें। देखो जी, शादी तो एक ही बार आती है जिंदगी में, एल्बम बननी है, वीडियोज़ बननी है, तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है कि वो ब्यूटी पार्लर में जहाँ 2 घंटे लगने थे वहाँ 4 घंटे लग गए, फिर रास्ते में जब आए तो ट्रैफिक जाम था तो 6 घंटे लग गए, तो जब तक दुल्हन आई तब तक मुहूर्त तो निकल चुका था, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग भी चले गए थे क्योंकि लोगों को भी खाना ही खाना था, तो लोगों को 9-10 बज चुके थे, अब लोग भी कब तक वेट करते, तो लोगों ने प्रसाद पाया, लोग निकल गए। हाँ, फिर जब तक वरमाला हुई तब तक कुछ लोग मजबूरी में अटके थे कि बोलेंगे जी वरमाला में भी नहीं रुके, वरमाला डलते ही बाकी के लोग भी निकल गए, और जब तक मंडप पे शादी की बात आई तब तक वहाँ कोई नहीं था, जो वहाँ पर आसपास बैठे थे वो चाय पकौड़े पाके वहीं पर गद्दे लगा के सो रहे थे, तो केवल पंडित जी थे, वर वधू थे और साथ में 2-3 लोग घर के थे। ये स्थिति हमारी शादियों की। लेकिन यहाँ पर संध्या वेला पर ही है ना, एकदम से बोला गया कि उनको बुला के लाइए। सुसज्जित सिंहासन बसे रूपवती अंगे रक्षाया झलमल करे क्षिति। वह सुंदर कन्या एक भव्य सिंहासन पर बैठ गई, उनके अंगों के वैभव ने संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाश से भर दिया, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी थी। रतन प्रदीप ज्वल तार चारी पाशे वदन जितल पूर्ण चंद्र पर काशे। उनके चारों ओर रत्न दीप जगमगा रहे थे, उनका मुखारविंद भव्य व गौरवशील गौरवशाली पूर्ण चंद्रमा को परास्त कर रहा था। उनका मुखारविंद क्या था, भव्य था, गौरवशील था, लेकिन जब मुखारविंद दिखे ही ना, केवल रंग चिपड़ा हुआ दिखे, तब क्या करें। अक्सर हम देखते हैं कि प्रभु जी भी करते हैं वैसे तो, लेकिन माता जी इस तरह का मेकअप करती हैं कि उनकी आंखें चिंकीज हो जाती हैं, वो चाइनीज़ हो जाती हैं आंखें। हाँ, चाइनीज़ चाइनीज़ चेहरे बदले हुए दिखते हैं, थोड़े थोड़े अपने पूर्वजों के जैसे, जैसे डार्विन जनाब ने बोला था कि हमारे पूर्वज बंदर से आए, तो थोड़ा थोड़ा लगता है झलक उस दिन, तो उस चेहरा तो दिखता ही नहीं है, ओरिजिनल चेहरा, तो गौरव कहाँ से दिखेगा उसमें। हाँ, भक्तों के चेहरे पर एक चमक है, भक्ति की चमक है, वो शाइन मत ढूंढने का प्रयास कीजिए। हाँ, वो चमक रहा है, त्वचा चमक रही है, नहीं त्वचा की बात नहीं करते हैं हम, वो चेहरे की चमक की जब बात करी जाती है ना, तो त्वचा की चमक नहीं होती है, वो एक दिव्यता झलक रही होती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कराया जाता कि वो चमक आ कहाँ से रही है, क्योंकि स्किन हो सकता है बिल्कुल ना चमक रही हो, लेकिन भक्त लोग कई बार उस गौरवशाली चमक को इस प्रकार से छुपा देते हैं। हो सकता है बड़े विनम्र भक्त रहे हों तो उनकी गौरवशील चमक दूसरी तरफ ना जाए, तो इसलिए हो सकता है मेकअप कर देते होंगे। दैट्स हाउ वी कैन थिंक अबाउट इट, नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। लेकिन अच्छा रहेगा यदि वो गौरवशाली पूर्ण चंद्रमा वो द्युति वो झलके, ताकि लोग कहें अरे आपने तो कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन आप में एक अजीब सी प्रसन्नता शालीनता शीलता दिख रही है, आप क्या करते हैं, हम हरे कृष्णा करते हैं। तो इस प्रकार से उनका मुखारविंद भव्य गौरवशाली पूर्ण था। सर्वांग अलंकार रतन कंचने अंधकार दूरे जा जाए तार किरण। उनका प्रत्येक अंग रत्न तथा स्वर्ण के आभूषणों से तेजोमय था, उनकी कांति से अंधकार को दूर भगा दिया। प्रभु प्रदक्षिण करी फिरे 7 बार कर जोड़ करी शिरे करे नमस्कार। उन्होंने अपने स्वामी की 7 बार परिक्रमा करी, उन्होंने अपने हाथ जोड़कर तथा अपना शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। आजकल तो जब फेरे हो रहे होते हैं तो आधे फेरों में अगर लड़का आगे है तो आधों में लड़की को आगे करना ही पड़ता है भाई नहीं तो गड़बड़ जाएगी। कुछ वचन अगर लड़का देता है तो कुछ लड़की देती है, तो कुछ वचन लड़के को भी देने ही पड़ते हैं। तो इट इज़ गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मुख्यतः ये रिलेशनशिप क्या है इसको समझना पड़ेगा, शास्त्रों में इस रिलेशनशिप को क्या बोला गया है। तो उन्होंने अपने स्वामी की 7 बार परिक्रमा करी, उन्होंने अपने हाथ जोड़कर अपना शीश झुकाकर नमस्कार किया। अंतापट घुचाइल दोहे दोहा देखी, दोहे दोहा देखी दोहर नाचे दुई आंखी। फिर उन दोनों ने के चारों ओर एक पर्दा डाल दिया गया, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि इसके पहले देखा नहीं होता है। अभी तो पहले तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, और दीवानगी में वो आगे बढ़ते रहे, फिर मजबूरी में माता पिता बीच में आ गए, और जो भी हो गया वो हो गया, तो कई बार देखा जा चुका था इसलिए देखने की कोई इच्छा नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर अब जो है
पर्दा डाल दिया गया, दोनों ने एक दूसरे को देखा। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की ओर एकटक होकर देखा, उनके नेत्र नृत्य करने लगे। चंद्र रोहिणी ये न एकत्र मिलन अन्योन्य करे दोहे कुसुमेरा रण। वे दोनों ऐसे लग रहे थे मानो चंद्र तथा रोहिणी का मिलन हो रहा हो। अपने अपने चितवन से उन दोनों ने एक दूसरे पर पुष्पों के बाण चलाए। ये न हर पार्वती दोहे थेला महिला चामुनी दाड़ीला दोहे आनंद भी भोला। वे दोनों ऐसे लग रहे थे कि मानो शिव और पार्वती का मिलन हो रहा हो। पर्दे के पीछे प्रथम मिलन के इस अनुष्ठान में दोनों आनंद से अभिभूत होकर कांपने लगे। भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होते, लेकिन भगवान विरह में पैदा करते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी इतने समय तक वल्लभाचार्य के घर में रही और भगवान सती देवी के घर में रहे, जो इटर्नल जोड़ी है वो जोड़ी इतने समय तक दूर रही, वैसे ही राधा कृष्ण के रूप में दूर रही। उसके बाद जब ये मिलते हैं तो क्या होता है, ये आनंद से कांपने लगते हैं। चतुर्दिके हरिध्वनि जय जय नाद नाचा ये सकल लोक हरिषे उन्माद। चारों दिशाओं में जय हो हरि हरि की ध्वनि ऊंचे ऊंचे स्वर में गूंज रही थी। प्रत्येक व्यक्ति आनंद के कारण उच्छृंखल होकर नृत्य कर रहा था। देख रहे हैं वो एक दूसरे को, लेकिन आनंद इन सबको आ रहा था। ये एक भक्त का शुद्ध हृदय है कि उसमें भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता में हृदय आनंद से नाचने लगता है, क्योंकि उसको स्वयं कोई आनंद नहीं चाहिए। यही आनंद जो है दिव्य आनंद कहते हैं इसको। तब इसे कमलापति विश्वंभर पहुं एकत्रे बसीला वाम पाशे करी बहु। तदुपरांत भगवान विश्वंभर जो वास्तव में तो भाग्य की देवी के पति ना भगवान नारायण है, नीचे बैठ गए। उनकी वधु उनके बाई ओर थी। लज्जा नम्र मुखी से बसीला पहुं पाशे जामाता पूजा ये मिश्र ये विधान आछे। लज्जा से सिर झुकाए वे भी उनके साथ नीचे बैठ गई। फिर वल्लभाचार्य ने अपने दामाद की आराधना करी। यह सब कुछ सुचारू रूप से किया गया। ओके, अब कुछ आराधना आराधना भगवान की आराधना से रिलेटेड प्रयार हैं। 118 से 126। यार पद में ब्रह्मपाद्य निवेदिया सृष्टि रखा रहता हिला प्रसाद पाइया। ये पद हई ते गंगा आईला माही तले सर्वलोक मुक्ति पद पाइला से काले। यहाँ र त्रिपाद भूमि उत्सर गिला बलि तहाँ र मत सके दिला पाद पद्म धूली। ये पद जपिया योगी हईला महेश्वर सेई पद आनंदे कमला देवी सेवे। ताहा हई ते विष्णु यार अंश अवतार यार अंश आदि वराह पृथ्वी उद्धार। यार अंश मत मत्स कूर्म वराह नृसिंगादि हिरण्यकशिपु वामन म्लेच्छ प्रभूति। परशुराम भृगुराम बौद्ध व्यास मुनि अष्टादश पुराण यार मुखे शुनि। एहि शुन गुण गाथा दश अवतार युगे युगे अवतार जीव तारी बार। से प्रभु हईला वल्लभचार्य र जमाता त्रिभुवन यहाँ भाग्य र नहीं कथा। तो भगवान पूर्ण परम पुरुषोत्तम भगवान जिनके चरण कमलों की ब्रह्मा जी अर्घ से आराधना करते हैं, जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी ने भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करने की शक्ति को प्राप्त किया, जिनके चरण से निकलकर गंगा नदी पृथ्वी पर प्रवाहित होती है तथा समस्त लोगों को मोक्ष प्रदान करती है, जिनके तीन पग ने संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित कर लिया है, जिनको महाराज बलि पूर्णता शरणागत हो गए, जिनकी चरण धूलि महाराज बलि ने अपने शीश पर धारण की, जिनके चरणों की महिमा का गुणगान करके शिव जी महान योगी बन गए, भाग्य की देवी जिनके चरणों की हर्ष पूर्वक सेवा करती हैं, जिनके अंश अवतार भगवान विष्णु हैं, जिनके अंश विस्तार आदि वरा ने पृथ्वी की रक्षा करी, जिनके मत्स्य कूर्म वरा नरसिंह वामन परशुराम रामचंद्र बुद्ध व्यास तथा अन्य अवतारों का वर्णन 18 पुराणों में किया गया है, जिनके 10 अवतारों का अनेक गीतों द्वारा यशोगान किया गया है, जो युग युगांतर बद्ध जीवों को उद्धार करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, और जिनकी महिमा का तीनों भौतिक लोकों में किसी के भी द्वारा पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता, वे वल्लभाचार्य के दामाद बन गए। गौरांगेरा गुण गाथा अमृतेरा खंड ये कथा सुनीले घुचे अंतर पाषंड। भगवान गौर की महिमा का गुणगान करने वाले गीत अमृत के सैलाब है। जो भी व्यक्ति भगवान गौरांग के विवरण का श्रवण करता है वह अपने हृदय के समस्त अपराधों को नष्ट कर लेता है। ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनने से मोबाइल
हिलाते हुए नींद की झपके लेते हुए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये अमृत के सैलाब है। जब हमारे सामने कोई जूस आता है तो हमें कभी नींद नहीं आती है, क्योंकि उसका टेस्ट हमारी जिह्वा पर लगा हुआ है। हाँ, वो अनुभूति होती है उसकी टेस्ट। अब ये टेस्ट मेरे मुंह में आने वाला है। उसी तरह से जिसको भगवान गौरांग कृष्ण इनकी लीलाओं को सुनने का टेस्ट लग चुका है, उसकी अटेंशन ज़बरदस्त हो जाती है और सभी अपराधों को नष्ट कर लेता है। हेन से पदार विंदे पाद्य देई मिश्र यहाँ रखे याने घूचे संसार तम स्त्र। भगवान गौरांग के चरण कमल जिसकी आराधना करने से जगत को जन्म व मृत्यु से पूरित करने वाला अंधकार नष्ट हो जाता है। वल्लभाचार्य ने उन चरणों में अर्घ अर्पित किया, जल, हाँ, उनके चरणों पर जल दिया। कह लीजिए, महेंद्र यहाँ रे दिल निपन सिंहासन हेन जने देई मिश्र पीठेर आसन। राजा इंद्र को साहसी सिंहासन प्रदान करने वाले भगवान गौरांग को श्री वल्लभाचार्य ने ब्राह्मण का स्थान अर्पण किया। ये प्रभु वसने धरे दिव्य पीतवास ताहारे वसन देई सुनीते तरास। परम पुरुषोत्तम भगवान जो स्वर्गिक पीले वस्त्रों की पोशाक में सुशोभित हैं, वल्लभाचार्य ने उन्हें एक साधारण वस्त्र अर्पण किया। यह सुनकर मैं भय से कांप जाता हूँ, क्योंकि सब रीति रिवाज में कुछ ना कुछ देना लेना तो चलता रहता ना। अब ये वस्त्र दीजिए, अभी नारियल दीजिए, अब थोड़े चावल यहाँ पे छिड़किए। हाँ, तो ये सब किसके साथ हो रहा है यहाँ पर? स्वयं भगवान तो लोचनदास कह रहे हैं मैं तो काम जाता हूँ, ये तो सब कुछ देने वाले तो यही हैं, इनको क्या दिया जाए, इनको क्या वस्त्र दिया जाए? जो जो संसारिक पीला वस्त्र नहीं पहना, उनकी जो पिताम्बरी है वो संसारिक नहीं है, वो दिव्य पिताम्बरी पहने हैं। ऐसा नहीं है वो पिताम्बरी, वो जो वस्त्र है उनका, वो गंदा हो जाता है, फिर वॉशिंग पाउडर डालकर उसको साफ़ करना पड़ता है, फिर भगवान उसको सुखाते होंगे, तीन चार जोड़ी तो भगवान पे होंगे ही, हमेशा पीला चमकता हुआ कैसे पहनना? फिर थोड़ा पुराना भी हो ही जाता होगा, फिर घिस जाता होगा, फिर नया भी लेने जाना ही पड़ता होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि है दिव्य वस्त्र है। वो ऐसे व्यक्ति को साधारण वस्त्र अर्पित किया जा रहा था। क्या करें, हमारे पास संसार में है ही क्या, हम संसार की वस्तुओं को भगवान को देते हैं, भगवान से ही लेते हैं और भगवान को ही दे देते हैं, यही हमारे पास वस्तु है। ऐ मत क्रमे क्रमे ये भी दिया अचिला यज्ञ आदि यत कर्म सब दिवे निवेदिला। यज्ञ से प्रारंभ करने करके अन्य सभी अनुष्ठान एक के बाद एक संपन्न किए गए, अंत में सब कुछ पूरा हो गया था। वल्लभाचार्य सम नाही भाग्यवान अपने वैकुंठ नाथ लैला कन्यादान। कोई भी श्री वल्लभाचार्य के समान भाग्यवान नहीं है, उन्होंने वैकुंठ के स्वामी को अपनी पुत्री दे दी। यही कहते हैं, यद क्या कहते हैं वो, यद जुहोसी यद असनासी यद करोसी यद जुहोसी यद असनासी ददासी यद यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कि जो भी वस्तु हमारे पास है वास्तव में भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए। राधा कृष्णाभ्याम स्वाहा, एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड टू राधा एंड कृष्णा, वट एवर वी हैव वो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में उन्हीं का है। और इससे पहले हम संसार में जाएं, संसार में से हमें छीन के उठा के कहीं पटका जाए, तो बेहतर है कि जो भी है वो भगवान को दे दिया जाए। राइट, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। भगवान की संपत्ति हमारा, जिसमें कि हमारी संपत्ति भी है, हमारे पुत्र पत्नियाँ पति वगैरह वटैवर जो भी चीज़ें हैं वो भगवान को की सेवा में अर्पित कर दिए जाएँ। ऐसा करके वास्तव में हम दिव्यता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बड़ा भाग्यवान थे वो, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री दे दी। इसी प्रकार कई सारे भक्तों ने अपने पुत्र पुत्रियाँ सब भगवान की सेवा में लगा दी हैं प्रभुपाद के इस मिशन में, वो सभी उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है। कि कही वल्लभ मिश्र भाग्य राशि यार घरे कैला प्रभु ए पंच घर राशि। मैं श्री वल्लभाचार्य के महान सौभाग्य का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? उनके घर में परम पुरुषोत्तम भगवान के ने 5 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का की दावत का आनंद उठाया। यदि भगवान प्रसाद, भगवान भोग लगा रहे हैं, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं और भगवान प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या है, ये बहुत ही, ये भी एक सौभाग्य है हमारा। जिन घरों में भगवान को भोग लगता है वो बड़े सौभाग्यवान लोग हैं, जिन घरों में भगवान इन स्वादिष्ट व्यंजनों की दावत का आनंद उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खिलाने के लिए करोड़ों लक्ष्मियाँ कंटिन्यूसली किचन में कुछ बना रही हैं। लक्ष्मियाँ, साधारण व्यक्ति नहीं, लक्ष्मियाँ। तो वो यदि हमारे घर में भोग लगा रहे हैं तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा।
कन्या वरे एक गृह भोजन करीला, शत शत कुल वधु वासरे मिलीला। वर तथा वधु ने अकेले एक साथ मिलकर एकांतिक कक्ष में प्रीति भोज का आनंद लिया। अंत तो गत्वा उस कक्ष में सैकड़ों हजारों साध्वी स्त्रियां इकट्ठी हो गई, सभी लोग वहां पर आ गए। युथे युथे तरुणी आईल प्रभु काछे, बेड़ी या रही विश्वम भर आगे पाछे। अनेक समूह में तरुण कन्याएं भगवान के पास आकर ठहर गई, वे उनके आगे भी सामने की ओर भी खड़ी थी तथा उनके पीछे भी उन्होंने भगवान विश्वंभर को चारों ओर से घेर लिया। तरुण कन्याएं, अब तो सारे रिचुअल हो गए, पहले तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, मंत्र का उच्चारण है, तो बेचारी छोटी बच्चियां हैं, कोई डांट बूट के कोई थप्पड़ मार देगा। हाँ, अब खड़ी थी कोने में, अब सबको अब एक्साइटमेंट की लिमिट हो गई थी, रीति रिवाज पूरे हो ही गए थे, सब ने आके भगवान को घेर लिया। सेवादन हास्य चंद्र उदय देखिया, लज्जा तिमर सवार गेल पलाइला पलाइया। अपने समक्ष भगवान के मुस्कुराते चंद्रमुख को उदय होते देखकर कन्याओं ने अनुभव किया उनके लज्जा रूपी अंधकार कहीं दूर भाग गया है, कोई अब शर्मा नहीं रहा इस वक्त। उदय ना थोड़ा खींच खिंचाई। नाम विपर्य केह सबे करे, सब हर घरे विश्वम भर गुणे भोरा आर परिहास्य करे। उस विवाह सभा में एक कन्या ने भिन्न अर्थों वाले विनोद प्रिय अलंकारिक शब्द बोले। भगवान गौर की महिमा व यश से अभिभूत होकर सभी लोगों ने परिहास किया तथा हंसने लगे। हाँ, भगवान गौर की महिमा व यश से अभिभूत होकर, ऐसा नहीं है कि भगवान गौर को कुछ ऐसा बोला जैसा कि आजकल होता है, कुछ जीजा जी को कुछ ऐसा गाली दी जाएगी, फिर जीजा जी के साथ में कुछ लोग होंगे वो काउंटर गाली देंगे तो एक आनंद आएगा, क्योंकि गाली, क्योंकि जो है जानवर जो है जब नाली से आया तो नाली में ही तो आनंद आएगा उसको, जी नाली का स्विमिंग पूल जो है वही तो वास्तविक स्विमिंग पूल है, उसका जो आनंद है वही तो दिव्य आनंद है, साफ पानी में मज़ा कहाँ आएगा, है ना। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, कहावत क्या है कि नाली के कीड़े को निकाल के कहीं सिंहासन पर रख दो तो वहीं जाके उसको आनंद आता है, धीरे धीरे रेंगता रेंगता नाली का है, नाली का है, नाली का है। वैसे ही जो निम्न कोटि के लोग हैं उनके जीवन में आनंद भी निम्न कोटि का है। शराब मांस, ये कल मुझे कोई भक्त बता रहे थे कि ऐसा कोई रिवाज है कि भैरव जी के यहाँ पर क्या होता है, वाइन को एक कढ़ाई में रखा जाता है, वाइन पक रही है उसी में लोग मुर्गा कटा बलाते हैं, उसी में मुर्गा डाल देते हैं, उसी में भैरव बाबा को चढ़ाते हैं और वो पकता रहता है उसी के अंदर, उसको फिर पंडित जी खाते हैं अंत में। तो हाँ, ये तो पता ही है आपको कि शराब चढ़ती है, फिर वो शराब घर में पिलाई जाती है प्रसादी। तो निम्न कोटि का है ना जो हमारा रस है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों को ये उच्च कोटि का रस प्राप्त हुआ, परम दृष्टवा निवर्त थे। नहीं तो सोचिए हम लोग भी इन्हीं निम्न प्रकार के रसों में लिप्त होते और जन्म जन्मांतर तक पैदा हो रहे होते बार बार। हाँ, उन निम्न कोटि और विदाउट नोइंग, नॉट नोइंग एनीथिंग। हाँ, इतने जो हमारी चेतना है वो इतनी निम्न हो जाती है कि हमें ये तक महसूस नहीं हो रहा होता है कि मैं कष्ट में हूँ। सोचिए, बहुत ही निम्न होनी है, जैसे एक शराबी सड़क में घूम रहा है या कोई इस प्रकार के लोग कई बार देखेंगे। बिल्कुल, मैं परसों एक जगह पे गया था चांदनी चौक में, तो वहाँ पर वो सड़क के किनारे में पत्थर के कुछ वो बने हुए थे, इतना सा था वो चौड़ा, उसमें उसने अपना पूरे शरीर को बैठा रखा था एक आदमी ने, और ऐसे बैठा हुआ धुत था एकदम, कुछ नहीं पता था उसको, दुनिया भूल गए हम सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। मैं सोच रहा था जरा सी झपकी आई वो धड़ाम से नीचे गिरेगा ये, लेकिन वो इतनी सी जगह में पूरा शरीर को लेके बैठा था ऊंचाई पे और उसको कुछ नहीं पता था दुनिया के बारे में। यानी कि आदमी को ये पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि वो किस हालत में है। तो इसलिए हमारे आचार्यों की बड़ी कृपा है कि परम दृष्टवा निवर्त थे, उन्होंने हमें हायर टेस्ट दिया संकीर्तन का, प्रसाद का, स्वच्छता का। स्वच्छता इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता आंदोलन चल रहा है, और वो स्वच्छता तो बाहरी स्वच्छता है, कितना आनंद है उस स्वच्छता में भी, बाहरी बाहरी स्वच्छता में भी आनंद है कि नहीं। तो आंतरिक स्वच्छता में कितना आनंद होगा, ये जो स्वच्छ हो पाता है उसी को समझ में आता है। इसलिए यहाँ पर हास प्रयास चल रहे थे, लेकिन भगवान गौर की महिमा को बढ़ाते हुए हास प्रयास चल रहे थे, आनंद आ रहा था। यहाँ पे किसी एक दूसरे को खींचना, कुछ लोअर बात करना, कुछ छिछोरी बात करना, डुअल मीनिंग की बात करना नहीं था। आप किसी डुअल मीनिंग की बात करने का कोई वीडियो निकालिए, कोई सॉन्ग निकालिए, देखिए कैसे हिट होता है वो। केहो भले गौरा चांद सुन बोल, सुन बो मोर बोल,
गुया खानी देह लक्ष्मी निंदे हेला भोर। एक कन्या ने कहा, हे विश्वंभर सुनो, ये 5 सुपारी लक्ष्मी प्रिया को दे दो, क्योंकि वे सोने ही वाली हैं। आपने तुली या देह लक्ष्मी रा वदने, देखो लसक लसखी हर्षित मने। आप स्वयं उनके मुख में डाल दें। अब उनकी समस्त सखियाँ प्रसन्नचित होकर उनका और देखिए, तो बेसिकली उनको छेड़ रही हैं कि जरा खिलाओ, कब खिलाओ, अपनी पत्नी को खिलाओ, 5 सुपारी खिलाओ। वो कह रहे हैं खुद ही डाल लो, अपने अपने आप डाल लो। केहो भले हे न भाग्यवती के बाछे, गौर चंद्र हे न पति मिली आछे काछे। अन्य कन्या ने कहा, लक्ष्मी प्रिया के समान भाग्यशाली कौन है, उन्हें विश्वंभर जैसे पति प्राप्त हुए। कौन तप कैल कौन कैल व्रत दान, देव आराधने कौन सधिल सधिल यज्ञान। कौन सती पतिव्रता आछे पृथ्वी वेते, विश्वंभर रूप देखी स्थिर था के चिते। उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्याएं करी हैं, यानी कि कोई तो करी होगी। ऐसे प्राप्त नहीं होता है। हमें कई बार लगता है कि उस व्यक्ति को फेवर प्राप्त हो रहा है, क्यों प्राप्त हो रहा है, उसको ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। प्रभु जी बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि वो चमचा है, चमचागिरी करता है। हाँ, इसको दिव्य शब्दों में शरणागति कहते हैं। हाँ, अगेन मवालियों की लैंग्वेज में इसको चमचागिरी कहते हैं। ये पॉलिटिकल चमचागिरी नहीं है। पॉलिटिकल चमचागिरी क्या होती है कि आज इस व्यक्ति की कर रहे हैं, कल उस व्यक्ति कर रहे हैं, परसों किसी और की कर रहे हैं। हाँ, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसलिए हम भी उसी की भैंस के साथ ही हम भी हैं, ये दूध तो वहीं मिलेगा। लेकिन जो ट्रांसेंडेंटल चमचागिरी है, जिसको हम शरणागति कहते हैं, वो बदलती नहीं है। वो ऐसी नहीं है कि आप नारायण हैं तो आप हमारे भगवान हैं, आप साधारण कृष्ण हैं बंसी बजाते हुए तो आपकी क्या ज़रूरत है। इस प्रकार से ये चमचागिरी करना ही तो कहते हैं, तृणादि अपि सुनिचैन तरुर अपि सहिष्णुना। इसी वही कर पाता है, इसीलिए उस व्यक्ति को फेवर भी मिलता है। उसने कुछ अपना बलिदान दिया होता है, कुछ त्याग दिया होता है। क्या दिया है, हम भी तो कर रहे हैं। हाँ, ये होता है ईर्ष्यालु हृदय, जो हमेशा ईर्ष्या के बारे में सोचता है, यही सोचता है कि हमने भी तो कर दिया। अब वो सेवा उतनी करता है जब वो किसी और को देखता है सेवा करता है। अच्छा, वो इसने ये कर दिया, अरे मैं तो रह गया। उसके दिमाग में जब उसके दिमाग में तब तब ही सेवा आती है, वरना नहीं आती है। तो उससे भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए। वो इससे इंस्पिरेशन ना लेके उससे कॉम्पिटिशन करने लगता है उसके बाद, इंस्पिरेशन भी ना लेके। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो चिंतन करते रहते हैं। जब चिंतन करते हैं तो चिंतन मनन करते हैं तो उनको दिखता है कि हाउ कैन आई सर्व, हाउ कैन आई सर्व। और बाकी जब दूसरों को देखते हैं करते हुए तो उनके हृदय में ईर्ष्या पैदा होती है। यहाँ पर ये क्या कह रही हैं, कह रही हैं जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी प्रिया, कौन सी ऐसी तपस्या करी, कौन सा व्रत पालन किया, क्या दान दिया होगा, देवताओं की उपासना कैसे करी होगी, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए संघर्ष कैसे किया होगा। यानी ये सब किया ही होगा ना, तभी तो उन्होंने प्राप्त किया विश्वंभर को। वे कैसी साध्वी तथा पवित्र थी कि आप इस पृथ्वी के विश्वंभर पर भी विश्वंभर के सुंदर रूप को एक तक निहार सकती हैं। क्या उनका सौभाग्य है कि हम तो अभी चली जाएंगी, ये दिन रात उस विश्वंभर को निहार पाएंगी। मदन सदन जिनी वदन सुंदर, मनी नीरा मानस रत्न वर छोर। विश्वंभर का सुंदर मुखारविंद कामदेव को भी परास्त कर देता है। वे सर्वाधिक अभिमानी तथा सबसे अधिक तेजस्वी कन्या का रत्न हृदय चुराने वाले चोर हैं। भुजदंड अखंड से हिमदंड जिनी साध करे निज बुके धरती रमणी। उनकी बलशाली भुजाएं कामदेव के दंड को परास्त करती हैं। लालसा से पूर्ण उनकी सुंदर दुल्हन उनके वक्ष तल पर विश्राम करती हैं। लक्ष्मी यही सकल अंग विलास करीबा, अमर इहार कबे परश पाईबा। लक्ष्मी प्रिय है, उनके प्रत्येक अंग पर ओजस्वी लीलाओं का भोग करेंगी, किंतु मैं कब उनका स्पर्श मात्र करने योग्य बनूंगा। सो आई एम नॉट एलिजिबल, लोचनदास कह रहे हैं, लेकिन मैं उनका स्पर्श मात्र भी कब कर पाऊंगा। बाकी जो उनकी उनके वक्ष स्थल पर निवास करने की जो जो राइट है वो किसका है, वो तो लक्ष्मी प्रिया का है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा बलिदान त्याग तपस्या नहीं किया। लेकिन फिर भी मेरी मैं कब स्पर्श कर, मैं उनके चरण धूलि को ही कब स्पर्श कर पाऊँगा। ए आमा देरा आशा हई बिहार दासी कबे से वी ब मोरा श्री गौरंग शशि। मेरी आकांक्षा है कि किसी दिन मैं गौरांग व लक्ष्मी प्रिया की सेविका बन सकूँ, तब मैं भगवान गौरचंद्र की सेवा करूँगा। मैं राधा रानी का रोल नहीं लेना चाहता, मैं राधा रानी की पोजिशन नहीं लेना चाहती, मैं तो उनके दास बनना चाहता हूँ, ताकि सो दैट वी कैन असिस्ट
all the gopis and the Radharani in the service of Sri Radha Madhava. मोर प्राण आर गौर चंगे आर हय, हे भगवान गौरचंद्र मेरे प्राण धन हैं। ऐ मत रंगे ढंगे प्रभात हरीला, प्रातः क्रिया कैला प्रभु ये विधि अछिला। भगवान तथा उनके पार्षदों ने इस प्रकार से अनेक लीलाओं का आनंद उठाया, फिर दिन निकल आया और भगवान ने अपने प्रातःकालीन कार्यों को पूरा किया। ऐसा नहीं हुआ कि घर में विवाह था प्रभु जी, चार दिन से माला ठीक से नहीं हो पाई या माला छूट गई। शादी के दिन थे प्रभु जी, क्या करें, अब ये तो हो ही जाता है ना, बताइए क्या करें। गौरांग महाप्रभु ने अगले दिन ही अपने प्रातःकालीन कार्यों को पूरा किया। हमारे साथ बिना शराब पिए भी हैंगओवर जाता है, हाँ, इन्जॉयमेंट का हैंगओवर। घर में पार्टी थी, कहीं हम घूमने गए थे, कई बार हमारे नाक में से थोड़ा सा कुछ पानी निकल गया था तो हमारी माला लेट हो गई, ये हो गया। लेकिन महाप्रभु ने अगले दिन उठ के अपना सारा मॉर्निंग कृत्यों को किया। विवाह हेरा पर दिन कुशंडी का कर्म, ब्राह्मण भोजन करे ब्राह्मण हेरा धर्म। अपने विवाह के अगले दिन भगवान ने कुशंडिक अनुष्ठान संपन्न किया। उन्होंने ब्राह्मणों को विशाल प्रीति भोज पर आमंत्रित किया। अरे कल ही तो खिलाया है, कितना खिलाएं, ये तो टैक्स है क्या कोई जो देना ही पड़ेगा? हमारे घर में कुछ हो तो हमें कुछ देना ही पड़ेगा क्या? बहुत कुछ हो गया था, बहुत बहुत सारा उपहार दिए गए थे, लेकिन अगले दिन फिर से ब्राह्मण को विशाल प्रीति भोज पर आमंत्रित किया गया। और फिर उन्होंने ब्राह्मण के स्वयं के कर्तव्य पूरे किए। सकल करिल प्रभु से दिन तथाया, आर दिन घर जब कहिल कथाया। यह सब उन्होंने उसी दिन किया। अगले दिन वे अपने घर वापस लौट आए। कथा का विवरण इसी प्रकार से बोला गया है। घरे ते चली ल जबे आनंदित मन, परिजने पूजा करे रतन कांचने। प्रसन्न चित्त भगवान गौर अपने घर आ गए, जहाँ उन्होंने स्वर्ण तथा चांदी अर्पण करके अपने सगे संबंधियों की भी पूजा करी। एकासने वैसे प्रभु लक्ष्मी वाम पाशे, चौधरी कब्बे लीला नारी गण तारे काछे। भगवान गौर एक आसन पर बैठ गए, लक्ष्मी प्रिया भी उसी आसन पर उनके साथ बैठ गई और स्त्रियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अब ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, तो समझ लीजिए आप, ये सारे ही भगवान के परम भक्त थे, जो इन सारे जो उत्सव है इसको देख पा रहे हैं और इसको इंजॉय कर रहे हैं साथ में। यार बड़े बड़े परम भक्त रहे होंगे जिनको भगवान ने यहाँ पर पैदा किया कि आइए मेरी इस लीला का आनंद आप लेना। वल्लभ मिश्रे रही या पर हरिश विषाद, यात्रा काले करे कन्या वरे आशीर्वाद। वल्लभाचार्य जी का हृदय प्रसन्न भी था तथा उदास भी था। जब वर वधु उनका घर छोड़कर चले गए चल दिए, तब वल्लभाचार्य जी ने वर एवं वधु को आशीर्वाद दिया। दुर्वा धान्य गंध माल्य गुलाब चंदन, जामा तारे दिया किछु करे निवेदन। धन ही न आमी छार नाही करी भाग्य, के दी बतो मारे दीन दान की बतोर योग्य। उन्होंने अपने जमाता यानी कि दामाद को दुर्वा घास दी, बताइए, सोने की चेन, एक तोला दो तोला चार तोला मल्टीपल लड़ी वाली, एक लड़ी दूसरी लड़ी तीन लड़ी, तीनों लड़ियां आपस में लड़ी तो बनी मोटी लड़ी, कौन सी, सोने की। तो उन्होंने केवल दुर्वा घास दी, अन्य सुगंधियाँ दी, हार पान सुपारी चंदन दिया। तब वल्लभ आचार्य ने कहा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, मैं राख के ढेर के समान व्यर्थ व अयोग्य। मतलब कैसे हो सकता है वो योग्य जिसके घर में लक्ष्मी पैदा हुई हो? लक्ष्मी जिसके घर में पैदा हुई उसके घर में लक्ष्मी का अभाव है। मुझसे हम चर्चा कर रहे थे कि वृंदावन ऐसा क्यों है, नालियाँ ऐसी क्यों हैं, पानी बह रहा है, दो दो फुट की नालियों में आदमी का चलना बिल्कुल, क्या सुंदर सा बन जाए वन, तब लगे वो वृंदावन। लेकिन ऐसा नहीं है, वैसे ही लक्ष्मी के पिताजी के घर में लक्ष्मी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यही तो गुप्त बातें हैं। यदि वृंदावन को आप वास्तव में वृंदावन गार्डन्स बना दें तो उन गार्डन्स के अंदर तोता मैना यानी कि लैला मजनू आके किसी कोने में बैठ जाएंगे, जगह जगह लैला मजनू बैठ जाएंगे। हाँ, ऑलरेडी वहाँ पे लोग बहुत सारे दही की लस्सी खाने, पेड़े खाने आने लगे हैं, ऑलरेडी वो एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। और यदि उसको मैटीरियली भी बहुत सुंदर बना दिया जाए हाँ तो बहुत ही गड़बड़ जाएगी, लेकिन भक्तों की नज़र में वो अभी भी एक सुंदर जगह है, यहाँ भक्त जाना चाहते हैं। उसी तरह से वल्लभाचार्य का घर एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ साक्षात लक्ष्मी वास करती हैं, लेकिन मैटीरियल नज़रों से उनके घर में लक्ष्मी नहीं है। कह रहे मैं राख के ढेर के समान व्यर्थ हूँ, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, भाग्य की देवी का पिता हूँ, मैं तुम्हें कौन सा उपयुक्त उपहार दे सकता हूँ,
मैं आपका संबंधी बनने के योग्य कैसे हो सकता हूँ? दामाद बन चुके हैं, दामाद स्विश्वंबर हैं, फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं आ रहा है। आई एम द, हाँ कई बार लोग कहते हैं ना मैं उनका डिसाइपल हूँ। अरे आप, हम क्या डिसाइपल हैं, उन्होंने हमें डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया है। मैं इस परंपरा में हूँ, हाँ मैं इस परंपरा के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक्सेप्ट किया गया है। मैं दीक्षित हूँ लेकिन मैं दीक्षा के लायक नहीं हूँ। मैं 20 साल से हूँ लेकिन मैं एक दिन भी रखने लायक नहीं हूँ। ऐसा विचार भक्त का रहना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि मैं राख के ढेर के समान हूँ, अयोग्य हूँ, भाग्यशाली भी नहीं हूँ, क्या दे सकता हूँ, आपका संबंधी बन कैसे सकता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं प्रिय ससुर जी, जो कि वास्तव में एक दिव्य भक्त के रूप, दिव्य भक्त हैं जो यहाँ ससुर का रोल अदा कर रहे हैं। ये भक्तों की क्वालिटी है, इसलिए भक्तों की लीला में परम आनंद है क्योंकि उनका हृदय एकदम ट्रांसपेरेंट है। हाँ इसलिए उनके साथ रहने में, जीने में भी परम आनंद है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय।